मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट रिसीव किया है। थिएटर को अपना प्रोफेशन बनाने से पहले सर यूनिवर्सिटी टीचर और जर्नलिस्ट रहे हैं। सर ने कई प्लेज एज राइटर, डायरेक्टर, एक्टर किए, जिनमें से कुछ हैं गालिब, शाहजान और मुमताज। सर इंडिया के एक प्रोमिनेंट थिएटर ग्रुप पेरोस ग्रुप के हेड हैं। सर ने कई टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, क्विज शोज और ऐसे कई शोज लिखे और डायरेक्ट किए। आलम सर को प्रेस्टीजियस गालिब अवार्ड भी मिला और ऐसे ही कई अवार्ड मिले। वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू सर। Thank you so very much. It's an honor for me as well. Over to you, sir. Aditi Sahiba, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नमस्कार। मेरा परिचय तो आप लोगों से हो ही गया और यकीनन ये बात तो तय है कि अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो उसका संबंध नाटक से है, ड्रामों से है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि मैं 8 साल से 16 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं आज उनसे बातचीत कर रहा हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है और सौभाग्य इसलिए है कि मैं आज बात करना चाहता था नाट्य लेखन पे। नाटक क्यों लिखा जाए, नाटक कैसे लिखा जाए, नाटक जब लिखा जाए तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान दिया जाए। मैं उससे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम मेरी नजरों में सबसे अच्छा नाटक इसी एज ग्रुप के बच्चे कर रहे हैं। क्यों? उसकी एक बहुत अहम वजह है जो हो सकता है आप लोग भी ना जानते हो। हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में तो नहीं लेकिन हिंदी और उर्दू में और इंग्लिश में खासकर मौलिक नाटक नहीं होते, ओरिजिनल प्लेज तौर पे जो नाटक पहले लिखे जा चुके हैं उनको ही बार बार पेश किया जाता है या पहले की लिखी हुई कुछ कहानियों को नाटक का रूप दे दिया जाता है। अगर मौलिक नाटक कहीं खासी तादाद में, कहीं बहुत अच्छी संख्या में हो रहे हैं तो वो स्कूलों में हो रहे हैं। लामोहला अगर वो नाटक किए जा रहे हैं तो बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं और इसी एज ग्रुप के बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे अच्छे नाटक स्कूल में हो रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलेजेस में हो रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पर हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ओरिजिनल प्लेस, मौलिक नाटक आम तौर पे और ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं इसी 8 से 16, 8 से 20 या 6 से 16 की जो एज ग्रुप होती है उसके बच्चे। तो ये तय हुआ था कि हम नाटक में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप जानते ही होंगे अगर आप नाटक से जुड़े हैं तो नाटक लिखा जाता है, नाटक का निर्देशन किया जाता है, नाटक में एक्टिंग की जाती है और खासकर जो स्कूल के नाटक हैं उसमें तो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे होता है कि भाई मुझे कोई ना कोई रोल मिल जाए। ठीक है, फिर नाटक में और बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइट्स होती हैं, सेट्स होते हैं, मेकअप होता है, तो बहुत सारी चीजों में इतना वक्त नहीं कि इतनी सारी चीजों पे बात किया जा सके। तो इसलिए मैं खास तौर पे नाट्य लेखन के बारे में बात करना चाहता था, नाटक लिखने के बारे में। देखिए, जब नाटक खेलना शुरू किया गया होगा तो सबसे पहली जरूरत किस चीज की पेश आई होगी? नाटक को लिखने की। तो कहते हैं कि नाटक लिखना नाटक
करने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। नाटक लिखने की समूचे नाटक में वही वही स्थान है जो एक मकान में नींव का होता है। ये अलग बात है जब वो मकान बन जाता है तो जब आप उसकी शक्ल सूरत जो नजर आता है उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन एक मकान की मजबूती का सबसे बड़ा कारण उसकी नींव होती है। इसी तरीके से एक नाटक जो मंच किया जा रहा है उसकी नींव जो है वो है उस नाटक का लिखा जाना। अब साहब आप ये सवाल जरूर करेंगे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात होगी, नाटक तो आमतौर पे लिखे जाते हैं और हम लोग भी ज्यादातर वही नाटक करते हैं जो हमने खुद लिखे हों, जिसको आप इम्प्रोवाइज प्लेस कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग की जब वर्कशॉप वगैरह होती होगी और खासकर समा वर्कशॉप जब होती होगी तो आप सब लोग इकट्ठा होते होंगे, आपसे दुनिया भर के विषयों के बारे में बात की जाती होगी, किस चीज पे नाटक करें, पर्यावरण पे करें, स्वच्छता पे करें, किसी किसी पर्सनालिटी पे करें, इतिहास का कोई पहलू उठा लें उस पे करें, संगीत पे करें, और फिर आप लोगों से कहा जाता है कि अच्छा साहब इस पे वाद विवाद कीजिए, कुछ लिख के लाइए, फिर बच्चे कुछ लिख के लाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप जिसने सबसे ज्यादा अच्छा लिखा हो या शायद जिसने कोई किसी नए सब्जेक्ट पे लिखा हो वो नाटक जो है उसका चयन कर लिया जाता है और फिर उस नाटक का मंचन होता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आमतौर पर समा वर्कशॉप्स होती हैं या आमतौर पर जो वर्कशॉप्स होती हैं खासकर बच्चों के साथ जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें बड़ी अच्छी बात है कि नाटक लिखने पे बहुत जोर दिया जाता है। और जब आप नाटक लिखते हैं तो आप समझ लीजिए आप ओरिजिनल नाटक का मंचन करते हैं। जिन नाटकों की अभी हमारे देश में खासकर जो हिंदी बिल्ड जिसको कहते हैं, जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, वहाँ बहुत कमी है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो कि इतना मशहूर नहीं है। जब भी आप कोई किताब उठाइए नाटकों के बारे में या जब भी आप अखबार देखिए तो क्या होता है, वो जो प्रोफेशनल प्लेज हो रहे होते हैं उन्हीं का जिक्र होता है। और वो जो पुराने पुराने प्लेज जो बरसों से होते चले आ रहे हैं उन्हीं के बारे में बातचीत की जाती है कि आज फला नाटक का मंचन हुआ, आज फला नाटक का मंचन हुआ। और जब ओरिजिनल नाटकों का मंचन होता है, खासकर जो बच्चे करते हैं और खासकर जो स्कूल के बच्चे करते हैं, बल्कि आपके यहाँ एनुअल फंक्शंस वगैरह में भी मैंने देखा है स्कूलों में ज्यादातर ओरिजिनल नाटक होते हैं। तो अब लेकिन एक समस्या इस मामले में पैदा होती है। मैंने देखा है कि, और मैं आपका ध्यान उसी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि स्कूल में भी जो ओरिजिनल नाटक होते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, उसमें अक्सर ये देखा गया है कि नाटक जो है वो टीचर्स वगैरह लिख देते हैं और कभी कभी डायरेक्शन भी जो है बाहर से किसी मेहमान को बुला के नाटक का निर्देशन किया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर इससे बचा जाए, गो कि मुझे इस चीज से इनकार नहीं है कि बहुत सारी वर्कशॉप्स में बच्चे खुद ही आपस में बातचीत करके खुद ही वो नाटक लिखते हैं और उन नाटकों का मंचन होता है, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि नाटक कोई टीचर लिख देता है या लिख देती हैं और निर्देशन भी बाहर से आके कोई साहब या साहिबा कर देते हैं और आपका ध्यान जो है वो एक्टिंग की तरफ होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं नाटक के, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग। अगर आप लोग
थोड़ा सा, खासकर आप में से वो लोग जिनको लगता है कि वो नाटक लिख सकते हैं या उनके अंदर नाटक लिखने का शौक है, वो अगर अपना ध्यान एक्टिंग के साथ साथ, और अगर वो डायरेक्शन करते हैं तो डायरेक्शन के भी साथ साथ नाट लेखन पे भी लगाएं, और अगर कभी आप अपने स्कूल में अगर चाहें तो जिद कर सकते हैं कि हम अब जो नाटक करेंगे एनुअल फंक्शन में या इंटर हाउस कंपटीशन वगैरह होता है, कि हम अपना ही लिखा हुआ नाटक करेंगे, निर्देशक भी हम बच्चों में से कोई एक होगा, और एक्टर्स तो लामहाला बच्चे होते ही हैं। आप ये करके देखिए, एक मेरा मानना है और शायद सही मानना है कि एक बुरा मौलिक नाटक एक मशहूर रिपीटेड नाटक से अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आप जब नाटक लिखते हैं, जब आप नाटक का निर्देशन करते हैं, तो आप न जाने क्या क्या चीज सीख के बाहर निकलते हैं। वरना क्या होता है कि साहब आपको ये डायलॉग दे दिया गया, फिर वो डायलॉग को रटने की बीमारी है, फिर वो सब लोग रट के चले आते हैं, फिर उनको जिस तरीके से डायरेक्टर बताता है कि देखिए आगे आइए, बीच स्टेज पे आइए, डायलॉग बोलिए, फिर मुंह उधर कीजिए, अच्छा अब आप अपना डायलॉग बोलिए। इससे अगर आप बचें और आप सब लोग कुछ चीजें ये सोचें कि हम अपने आप इन चीजों को जानेंगे, एक नाटक लिखना, दूसरा नाटक का निर्देशन करना, तीसरा जो आप बखूबी करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं नाटक में एक्टिंग करना, चौथा सेट डिजाइन करना सीखिए, पांचवा लाइट डिजाइन करना सीखिए। कभी कभी मैंने ये भी देखा है स्कूल के नाटकों में एक्सपर्ट्स आते हैं लाइट डिजाइन करने के लिए या सेट डिजाइन करने के लिए, और एक और चीज मेकअप करना, अपना मेकअप करना खुद सीखिए। अब वापस आइए नाट्य लेखन पे। अब ये मसला होता है कि ये तो बात तय हो गई कि भाई अच्छा है अगर मौलिक नाटक लिखे जाएं, और ये भी बात तय है कि आपकी एज ग्रुप के लोग एटलीस्ट वर्कशॉप्स में तो खुद ही के लिखे हुए नाटकों को स्टेज करते हैं। अब दूसरा मसला यह है कि एक नाटककार को नाटक लिखते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, नाटक में एक्टिंग और नाटक में निर्देशन दोनों चीजें रिहर्सल में होती हैं, पर नाटक का लेखन रिहर्सल पे नहीं होता। तो जिस तरीके से कहानी लिखी जाती है, जिस तरीके से कविता लिखी जाती है, उसी तरीके से नाटक भी घर में बैठ के लिखा जाता है। अब देखिए, आपको मैं एक फर्क बताता हूं ना, कहानी घर में लिखी जाती है और आमतौर पे घर में ही पढ़ी जाती है, कविता भी एक हद तक घर में लिखी जाती है और घर में ही पढ़ी जाती है, हाँ कवि सम्मेलन में या मुशायरों में वो स्टेज पे से भी पढ़ी जाती है, लेकिन आप ज्यादातर कविता जो है वो जो सुनते हैं या जो जिन कविताओं के बारे में जानते हैं वो आपने मुशायरों या कवि सम्मेलनों में नहीं सुनी होती, बल्कि या तो उन्हें किताबों में पढ़ी होती हैं, पाठ्यक्रम में, स्कूल के सिलेबस में पढ़ी होती हैं, या किसी किताब में पढ़ी होती। नाटक एक वाहिद चीज है जो लिखा तो घर में जाता, जो लिखा तो ड्राइंग रूम में जाता है, जो लिखा तो आप स्टडी रूम में जाता है, लेकिन उसका मंचन हमेशा स्टेज पे होता है। बल्कि यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कहानी और कविता की तरह नाटक लिख सकते हैं, नाटक को किसी किताब में, किसी मैगजीन में छपवा सकते हैं, या उस नाटक की खुद एक किताब छाप सकते हैं, लेकिन लेकिन कहते हैं असली नाटक वही है जो मंचित हो, जो स्टेज किया जाए।
ये ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, बड़ी मजेदार बात बताऊं, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नाटक खेलने जा रहे हैं। अच्छा, नाटक की इंग्लिश क्या होती है? ड्रामा होती है। बहरहाल हम आमतौर पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? प्ले। तो नाटक एक बहुत खूबसूरत चीज है जो कहानी और कविता की तरह केवल किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसका स्टेज पे रूपांतरण भी होता है। तो नाटक जो है वो स्पोर्ट्स और पढ़ाई लिखाई के बीच की चीज है कोई, ठीक है। लव्स प्ले तो बहुत आम है। अब आप देखिए, जो नाटक लिखता है उसकी इंग्लिश क्या हो? प्ले राइट। तो वो कोई खेलने वाली चीज को लिखने वाला, लेकिन ये भी एक गलत फहमी है। हमको लगता है प्ले राइट की स्पेलिंग होती होगी पी एल ए वाई डब्ल्यू आर आई टी ई, और उससे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है दिमाग में कि भाई ये प्ले राइट क्या चीज हुई? प्ले राइटर होना चाहिए, बल्कि फिल्मों को जो लिखता है उसको स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं, पर जो प्ले लिखता है उसको प्ले राइटर नहीं कहते, उसको प्ले राइट कहते हैं। और राइट की स्पेलिंग भी मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम होगी, डब्ल्यू आर आई टी ई नहीं है, राइट की स्पेलिंग है डब्ल्यू आर आई जी एच टी, और इसका मतलब होता है गढ़ने वाला, एक हद तक शिल्पकार जिसको कह सकते हैं, एक हद तक सिविल इंजीनियर भी जिसको कह सकते हैं। प्ले लिखा नहीं जाता, आम जबान में कह सकते हैं प्ले बनाया जाता है, प्ले की स्कल्प्टिंग होती है। जैसे आप एक मूर्ति बनाते हैं, इधर से छीलते हैं, उधर से छीलते हैं, उसका हाथ पैर मुंह नाक निकालते हैं एक पत्थर में से, वैसे ही प्ले भी बनाया जाता है, प्ले लिखा नहीं जाता। मूर्ति बनाने के लिए जैसे एक शिल्पकार को पत्थर मिलता है, पत्थर को वो पत्थर में हाथ पैर नाक मुंह आंख कान निकाल के उसको एक शेप और साइज देता है, ऐसे ही प्लेराइट होता है। प्लेराइट को केवल एक सब्जेक्ट मिलता है, एक विषय मिलता है, उस विषय में से वो उसके उसका हाथ पैर नाक मुंह कान आंख निकालता है। तो इसीलिए नाट्य लेखन, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल चीज है, मैं ये कहूंगा नाट्य लेखन बहुत अलग चीज है। वो ड्राइंग रूम में तो लिखी जाती है, वो अपने घर में बैठ के लिखी जाती है, लेकिन वो घर तक महदूद नहीं है। यानी नाटक लिखने वाले को स्टेज क्राफ्ट की नॉलेज होना जरूरी है। यानी वो अपने घर में बैठा जब नाटक लिख रहा है तो उसके दिमाग के किसी कोने में, दिमाग के किसी गुशे में स्टेज का साइज होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये नाटक जो है वो किसी विशेष खास लंबाई चौड़ाई के स्टेज पे खेला जाएगा। यानी जब आप अपने कमरे में, अपने स्टडी रूम में बैठे हुए नाटक लिख रहे हैं तो आपके जहन के कोने में वो स्टेज जरूर होना चाहिए। और स्टेज तो छोड़ दीजिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस स्टेज पे दो या तीन या चार या पांच या छह विंग्स हैं, जिसमें से एक्टर एंट्री लेगा और एक्टर एग्जिट लेगा। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टेज के बीचों बीच एक पर्दा पड़ा हुआ है जिसके पीछे से लोग जा सकते हैं। यानी एक एक्टर दाईं तरफ से एग्जिट लेके बाईं तरफ से एंट्री ले सकता है। तो इसलिए ये प्ले राइटिंग हो जाता है, जिसमें डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी नहीं होता, डब्ल्यू आर आई जी एच टी आई एन जी हो जाता है। यानी आप
मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं टेक्निकल लफ्ज है स्टेज क्राफ्ट, कि एक प्ले के लिखने वाले को, एक नाटककार को, नाटकों के लेखक को स्टेज क्राफ्ट आना चाहिए। स्टेज क्राफ्ट से मतलब होता है उसको मालूम होना चाहिए कि ये नाटक परफॉर्म किया जाएगा एक स्टेज पे, उस स्टेज की कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई होगी, उस स्टेज पे विंग्स होंगी, उस स्टेज के पीछे ग्रीन रूम होंगे। अब आप जब नाटक लिख रहे हैं तो आपको जब स्टेज क्राफ्ट की नॉलेज होगी तो अपना नाटक लिखते वक्त आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे जैसे मैं आपको बताता हूं कि अब आप नाटक एक लिख रहे हैं, उसमें संभव है कि पहला सीन दिल्ली में हो, दूसरा जयपुर में हो, तीसरा मद्रास में हो। अब एज राइटर आपको मालूम होना चाहिए कि आप उसी स्टेज पे जयपुर कैसे क्रिएट करेंगे, मद्रास कैसे क्रिएट करेंगे, दिल्ली कैसे क्रिएट करेंगे। अब अलग अलग नाटक लिखने वाला अलग अलग तरीका अपना सकता है कि उसने स्टेज को तीन हिस्सों में बांट दिया, दाएं हिस्से पे दिल्ली हो गया, बीच वाले हिस्से में मद्रास हो गया और बाएं हिस्से पे जयपुर हो गया, या तो उसने ये किया। या देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब शुरू शुरू में नाटक लिखे जाते थे या उन नाटकों के बारे में जिनकी हमें इंफॉर्मेशन, साहब शेक्सपियर साहब जब प्लेज ले उनके उनके प्लेज भी ऐसा नहीं था कि बड़े जैसे स्टेज आजकल के होते हैं ऐसे स्टेज पे होते हैं, और उनके प्ले में भी यही होता था, पहला महल का सीन है, दूसरा बाग का सीन है, तीसरा पार्क का सीन है। तो क्या होता था, बस कुछ नहीं होता था, एक कोई आर्टिस्ट जो है प्ले कार्ड, वो जो दफ्ती होती है उस पे ऐसे उस जगह का नाम लिख के चला आता था और एक विंग से आता था और दूसरी विंग से चला जाता था और लोग सोच लेते थे कि साहब ये अब एक शहर से दूसरा शहर आ गया। तो इसी तरीके से अब आपको जब नाटक लिख रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं दिल्ली, मद्रास और जयपुर स्टेज के तीन पार्ट्स पे क्रिएट करूंगा, राइट टू सेंटर टू लेफ्ट, या मैं फ्रंट टू बैक क्रिएट करूंगा, या मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं, मैं भी शेक्सपियर वाली टेक्निक इस्तेमाल करूंगा और कोई प्ले कार्ड पे उस शहर का नाम लिख के आएगा और लोग उसको वो शहर समझने लगेंगे, या अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, माइक पे कोई पीछे बोल सकता है लखनऊ, अब माफ कीजिएगा दिल्ली, और लोगों ने उसे दिल्ली समझ लिया, आपने कहा मद्रास और लोगों ने उसे मद्रास समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा जयपुर और लोगों ने उसे जयपुर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे, तो राइटर साहब ने डायलॉग में ही कुछ इस तरीके से लिखा के मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कहते कहते उन्होंने एग्जिट लिया, एग्जिट लेने के बाद दूसरी विंग में पहुंचे, वहां से एक ब्रीफ केस उठाया और फिर वो दूसरी विंग से वापस आ गए और फिर उन्होंने अपने डायलॉग में कुछ भाई आज सुबह ही मैं जयपुर पहुंचा, लोगों ने उसको जयपुर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब नाटक के लेखक को ये मालूम होना चाहिए कि जब वो एक प्ले में तीन शहरों का नाम लेगा या तीन अलग अलग जगहों का नाम लेगा, जैसे बाजार, मार्केट, पार्क, स्कूल, या तीन अलग अलग समय का नाम लेगा जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या तीन अलग अलग अवधि का नाम लेगा, जैसे एक कहानी चल रही है दो सन 2000 की, उसी कहानी में 2015 भी आ गया और उसी कहानी में 2020 भी आ गया। तो जब हम नॉवेल लिख रहे हैं या जब हम कहानी लिख रहे हैं तो हमको मालूम है कि हमें ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये जब हमारी किताब अपने
अपनी कुर्सी में इस पे या अपने बेडरूम में बैठा हुआ हमारा अफसाना हमारी कहानी हमारा नॉवेल को पढ़ रहा होगा तो बहुत बहुत इसको समझ जाएगा। मुझे बस इतना ही लिख देना काफी कि मैं सुबह मद्रास पहुंचा है ना, मैंने जहाज पकड़ा और मैं मद्रास पहुंच गया। और फिर वो कुछ भी लिख सकता है, वो मद्रास की सड़कों के बारे में लिख सकता है, मद्रास के खास लोगों के बारे में लिख सकता है, मद्रास की स्पेशल बिल्डिंग्स के बारे में लिख सकता है, मद्रास के समंदर के बारे में लिख सकता है, मद्रास की रोड्स के बारे में लिख सकता है, मद्रास के खानों के बारे में लिख सकता है। लेकिन जब यही चीज एक प्लेराइट लिख रहा है तो उसको एक दुश्वारी पेश आती है कि वो लिखते वक्त खाना मद्रास का खाना दिखा नहीं सकता, मद्रास की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दिखा नहीं सकता, मद्रास का समंदर दिखा नहीं सकता, तो वो क्या लिखेगा और कैसे लिखेगा ताकि लोग उस जगह को मद्रास समझने लगे, जबकि वो वही स्टेज है जिसपे अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली नजर आ रहा था। यहाँ पे नाटकों का लिखना जो है बहुत बहुत तो नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी यहाँ पे नाटककार को, नाटक लिखने वाले को, प्ले राइट को स्टेज क्राफ्ट आना जरूरी। इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, नाटक और नॉवेल लिखने वाले में क्या फर्क है। नॉवेल लिखने वाला अपनी किताब में जो चाहे लिख सकता है, अगर वो दिल्ली का जिक्र कर रहा है तो कुतुब मीनार का जिक्र कर सकता है, लाल किले का जिक्र कर सकता है, बिरला मंदिर का जिक्र कर सकता है, पुराना किला का जिक्र कर सकता है, लोटस टेम्पल का जिक्र कर सकता है। इसी दिल्ली का जब जिक्र नाटककार को करना है स्टेज के ऊपर, वो जिक्र से काम नहीं चलेगा कि इस वक्त मैं लोटस टेम्पल में हूं और लोटस टेम्पल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नाटककार नॉवेल निगार यानी कहानी लिखने वाला या नॉवेल लिखने वाले के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। नाटककार के बारे में कहा जाता है कि वो मजबूरियों को जहन में रखते हुए नाटक लिखता है, कि वो अपनी मर्जी से जो उसके जी में आ रहा है वो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेज पे क्रिएट होना संभव नहीं। मान लीजिए कि आपने जयपुर के बाद दिल्ली दिखाना चाहा, तो अगर आपने वो कटआउट्स भी बना रखे हैं तो लाइट्स ऑफ होगी, फिर वो लोटस टेम्पल का कटआउट आएगा, फिर वो कुतुब मीनार का कटआउट आएगा, फिर लाल किले कटआउट आएगा, वो रखा जाएगा और उसमें गैप हो जाएगा और ऑडियंस का कहानी से संबंध जो है, रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। तो उसको बहुत स्पेशल वो चाहिए होती है लिखने के लिए, आर्ट चाहिए होती है उसको, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और उस लिमिटेशंस में मुझे जो है अपनी कुछ तरीके से लिखना है कि जो चीज हम नॉवेल में क्रिएट कर सकते हैं, कविता में क्रिएट कर सकते हैं, वो हम स्टेज पे क्रिएट नहीं कर सकते। हमको अपने डायलॉग्स में, हमको अपने स्टाइल में, इसी तरीके से बहुत सारी स्टेज क्राफ्ट का जब मैं बात करता हूँ, आपको एक राजा को भिखारी बनते हुए दिखाना है। अब मैं नॉवेल लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि और धीरे धीरे वो राजा जो है भिखारी हो गया, या धीरे धीरे वो भिखारी जो है राजा हो गया। अब ये चीज हम स्टेज पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम राजा को भिखारी दिखाएंगे तो राजा का कॉस्ट्यूम अलग होगा, भिखारी का कॉस्ट्यूम बिल्कुल अलग होगा, और एक समय चाहिए राजा को वो कॉस्ट्यूम उतार के भिखारी के कॉस्ट्यूम में आने के लिए। तो जब एक राइट प्ले राइट ये लिखना चाह रहा है, एक नाटककार ये लिखना चाह रहा है, और वो राजा देखते ही देखते भिखारी हो गया, तो उसको इस बीच में बहुत सारी चीजें डालनी होंगी कि इतना समय तो उस राजा को दे दे कि वो अपना पुराना राजा वाला कॉस्ट्यूम उतार के भिखारी वाले कॉस्ट्यूम में आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से लाइट्स होती हैं, इसी तरीके से सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल
अब आपने एक दिल्ली का ड्राइंग रूम दिखाया है, एक लखनऊ का ड्राइंग रूम दिखाया है, अब आपके पास इतना वक्त तो नहीं है कि वो दिल्ली, कायदे से तो ये होना चाहिए कि दिल्ली के ड्राइंग रूम का फर्नीचर और लखनऊ के ड्राइंग रूम का फर्नीचर अलग होना चाहिए। अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि वो जब दिल्ली वाला सीन खत्म होगा लखनऊ पहुंचेंगे तो आप फिर से नया फर्नीचर ला के रखेंगे, उसमें तो बहुत वक्त खराब हो जाएगा, लोग उठ के चले जाएंगे। कहानी का जो पेस है, प्ले का जो पेस है, प्ले जिस रफ्तार से चल रहा है उसमें रुकावट आ जाएगी। तो आपको इतनी अच्छी और इतनी कायदे की लाइन लिखनी है कि उसी दिल्ली वाले सोफे को लोग लखनऊ वाला सोफा समझने लगे, या आपको इतना अच्छा लिखना और उतना अच्छा इनैक्ट करना है कि आपने सोफा रखा ही नहीं, आपने ब्लॉक्स रख दिए काले रंग के, दिल्ली में भी वही है लखनऊ में भी वही है, और आपने कहा आइए सोफे पे बैठिए, ये देखिए हम नया सोफा खरीदा है, देखिए इसकी इस सोफे की बैक, इस सोफे का गद्दा कितना अच्छा हुआ। आप इतना स्ट्रांगली लिखते हैं और एक्टर इतना स्ट्रांगली इनैक्ट करता है कि वहां गद्दा ना होने पे भी एक्टर को, आप माफ कीजिएगा, ऑडियंस को यकीन हो जाता है कि वो एक सोफा है जिसकी बड़ी अच्छी इसकी बैक है और जिसपे बहुत अच्छा सा गद्दा रखा हुआ है। हम लोग ये चीज बहुत करते हैं, देखो चांद निकला है, वो एक तो लिखने में भी चांद इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, इतना स्ट्रांगली कन्वे किया जाना चाहिए, इतना शक्तिशाली तरीके से उसको लिखना चाहिए कि ऑडियंस को यकीन आ जाए, फिर एक्टर सिर्फ आंख उठा के देख लेता है, हाथ का इशारा कर देता है कि देखो कितना खूबसूरत चांद निकला है, और लोग उस ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत से लोग पीछे मुड़ के देख भी लेते हैं कि वहाँ कोई चांद नहीं, और दिमाग भी इस बात को मानता है कि यहाँ कैसे ऑडिटोरियम के अंदर चांद कैसे निकल आएगा। तो ये एक जो लफ्ज है इससे घबराने की जरूरत नहीं, स्टेज क्राफ्ट राइटर को आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि राइटर को स्टेज की हर एक चीज पता होनी चाहिए, और उसमें सिर्फ स्टेज की लंबाई चौड़ाई, विंग्स, ग्रीन रूम, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये सब तो मैंने बात करी, सिर्फ यही नहीं, अब राइटर को जो नाटक लिख रहा है उसको थोड़ा बहुत निर्देशन भी आना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत एक्टिंग भी आनी चाहिए। आप एक एक प्लेराइट को बहुत अच्छा मेकअप मैन भी होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कोई नाटक पढ़ते हैं तो उसमें ब्रैकेट में बहुत लिखा होता है, रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, और कभी कभी क्योंकि थोड़ा बहुत निर्देशन आना चाहिए तो राइटर ये भी लिख देता है कि उठ के जाता है, स्टूल पे बैठता है, दरवाजा खटखटाता है, और कभी कभी आपने बहुत सारे नाटकों में देखा होगा, और आप खुद भी कोशिश कीजिए कि आप लिखिए ए विंग तक जाता है, बी विंग से एंट्री लेता है, आप के दिमाग में ए विंग बी विंग, बहुत अच्छा सेट डिजाइनर होना चाहिए। जब भी आप एक नाटक लिखते हैं तो उस नाटक की जो सेटिंग है, अगर एक ही सेटिंग है तो पहला पेज आप उस नाटक की सेटिंग लिखने के लिए लेते हैं, एक घर, घर का एक कमरा, कमरे में दाईं तरफ ये रखा है, बाईं तरफ ये रखा है, सामने दरवाजा है, दरवाजा पीछे इस ओर खुलता है, कभी कभी तो आप वो भी बताते हैं जो ऑडियंस को नजर नहीं आता कि दरवाजे के पीछे एक बाग है, क्योंकि दरवाजे के पीछे वो बाग कभी नजर नहीं आता, वो तो विंग के पीछे चला गया, लेकिन आप लिख देते हैं। और कभी कभी बहुत अच्छे राइटर जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं कि ऑडियंस को लगने लगता है कि स्टेज के इधर उधर भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए एक प्ले हो रहा है जिसमें जो पूरा प्ले जो है ड्राइंग रूम में हो रहा है, लेकिन डायलॉग्स के दौरान एक्टर्स कुछ ऐसी बातें करते हैं और राइटर ने कुछ ऐसे डायलॉग्स और कुछ ऐसी लाइनें लिखी होती हैं कि ऑडियंस को नजर तो सिर्फ ड्राइंग रूम आ रहा होता है, लेकिन उसको लगता है अच्छा उसके पीछे बेडरूम भी है, उसके पीछे लॉबी भी है, उसके पीछे गैलरी भी है,
है ना, उसके और गैलरी गैलरी जो है वो पीछे जाके बाजार में खुलती है, तो कभी कभी इतना कहा जाता है प्लेराइट जो है वो अपने शब्दों से सेट क्रिएट करता है। और उसकी एक वजह भी है, कोई जरूरी नहीं है कि फिल्मों की तरह आपको हर चीज मिल जाए, और कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको हर चीज मिल जाए तो ये भी डर है कि जो स्पेस है, जो स्टेज है वो उसके लिए नाकाफी हो, है ना। अगर आपको मान लीजिए मार्केट क्रिएट करनी है तो स्टेज तो नाकाफी होगा, मार्केट तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें तो आपसे दो ही दुकान लगा के, या एक्टर कहेगा कि ये देखिए ये जो है वो जूते चप्पल की दुकान है, यहाँ सब्जी बिक रही है, ये मोची साहब बैठे हुए हैं जो जूते गाँट रहे हैं, और वहां शायद ऐसी कोई चीज ना मौजूद हो, लेकिन आपको बहुत पावरफुली उसको लिखना पड़ता है, एक्टर को भी उतनी पावरफुली एक्टिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज हो गई, इसे कहते हैं स्टेज क्राफ्ट, आपको स्टेज की लंबाई चौड़ाई, स्टेज के दोनों तरफ जो विंग्स होती है जहां से एंट्री ली जाती है और जहां से एग्जिट ली जाती है उसकी नॉलेज, उसके पीछे अगर ग्रीन रूम वगैरह है तो वो कैसा है क्या है, और एक पर्दा जो बिल्कुल सामने पड़ा होता है यानी जब वो उठता है तो नाटक शुरू हो जाता है, और एक पर्दा पीछे पड़ा होता है और पीछे से जाने की जगह होती है। तो और कभी कभी ऐसा भी देखिए, आपने नाटक लिखने में क्या गलती होती है कि रमेश अपने घर से निकला और विकास के घर पहुंचा, अभी लिख देना तो बहुत आसान है, लेकिन रमेश जब अपने घर से निकलेगा और विकास के घर पहुंचेगा तो कुछ नहीं तो 15-20-30 सेकंड का तो डिले होगा, उस बीच क्या होगा। अब वो प्लेराइट को लिखना, प्लेराइट को जान, यहाँ भी होता है कि साहब अगर वो रमेश अपने घर से निकला तो एक अपने मान लीजिए राइट विंग से निकल जाएगा वो, अब जब वो विकास के घर में आएगा तो लेफ्ट विंग से ही आ सकता है, अब राइट विंग से निकल के उसको जो पीछे साइक्लोरामा जिसको कहते हैं, पीछे वाला जो पर्दा होता है उसको पीछे से क्रॉस करके और फिर सामने वाली विंग से उसको एंट्री लेना पड़ता है, वो जो इतनी देर का गैप हुआ पता नहीं, कभी कभी तो हमको स्टेज पे जाके ही पता चलता है कि वो कितना लंबा चौड़ा स्टेज है, कितनी देर का गैप होगा। मैं आपको गलती बताऊं जिसे मैं खुद नाटक लिखता हूं, मैंने एक नाटक लिखा था जिसमें मिर्जा गालिब साहब जो है जहां वो खुद बैठते हैं वहां से उठ के जहां वो खाना खाते हैं वहां जाते हैं, और उस दौरान एक शेर पढ़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। हमने जब उसको प्ले किया तो हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो अब सेट भी बहुत बड़ा बनाना था, तो हमने क्या किया, गालिब साहब की बैठक ग्राउंड फ्लोर पे रखी और गालिब साहब जहां खाना खाते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रखा, और स्क्रिप्ट वही रही, एक शेर पढ़ते हैं और खाने के तहत पे पहुंच जाते हैं। अब जब वो प्ले हो रहा था तब मुझे ध्यान आया कि अरे अब क्या होगा, ये तो अभी एक शेर पढ़ेगा और दो सीढ़ियां चढ़ पाएगा बस, और इसको कम से कम 15 सीढ़ी चढ़ के और फिर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है। लेकिन उस बच्चे ने जो गालिब का रोल, और ये स्कूल का प्ले था, जो गालिब का रोल कर रहा था उसने ये प्रॉब्लम जो है समझ ली थी और उसने मुझको बताया नहीं, और उसने 4 शेर याद किए थे। तो जब वो अपनी बैठक से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा उसने 4 शेर पढ़े, ताकि जो टाइम गैप है जो मैंने प्ले लिखते वक्त रियलाइज नहीं किया था, मैंने तो एक ऐसे समझ लीजिए कि फ्रंट स्टेज को ये समझा था गालिब की बैठक है, बैक स्टेज को ये समझा था कि गालिब का घर है, गालिब की दालान है, गालिब बैठक से उठेंगे, एक शेर पढ़ेंगे, दालान में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन तो गड़बड़ हो गया, पर वो जो है बहुत अच्छा था, उसने उसको मालूम था कि ये गैप आएगा तो उसने 4 शेर याद कर लिए। जो मैं कह रहा हूं कि प्ले राइट को थोड़ा एक्टर, थोड़ा निर्देशक,
होना चाहिए, यही एक्टर पे भी लागू होता है। एक्टर को और निर्देशक को थोड़ा बहुत प्लेराइट भी होना चाहिए, ठीक है, तभी तालमेल बैठता है। तो ये बात हो गई स्टेज क्राफ्ट की, जो आपको क्योंकि आप लोग ओरिजिनल प्लेस बहुत करते हैं, ओरिजिनल नाटक लिखते हैं, तो आपको स्टेज क्राफ्ट मालूम होना चाहिए कि स्टेज क्या होता है, स्टेज पे क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेज पे के पीछे क्या होता है और स्टेज की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। बल्कि सबसे ज्यादा तो आपको ये जानना चाहिए कि स्टेज की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहानी लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख डाल, आप फिल्म लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख, क्योंकि फिल्म में एज इट इज जो 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 मंजर जो दृश्य लिखा जाता है वो एज इट इज पेश कर दिया जाता है। बाजार है तो बाजार नजर आएगी, हवेली है तो हवेली नजर आएगी, दिल्ली है तो दिल्ली नजर आएगा, कानपुर है तो कानपुर नजर आएगा, जयपुर है तो जयपुर नजर आएगा, लेकिन स्टेज पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते आप दिल्ली और जयपुर में। तो प्ले राइट को ये मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, स्टेज क्या है, नहीं स्टेज की में कमियां क्या क्या है, स्टेज की लिमिटेशंस क्या क्या है। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज जो प्रोसेस, कभी कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए आपको स्टेज क्राफ्ट भी आता है और आपने घर में, आपको स्टेज क्राफ्ट मालूम है, आपके सबकॉन्शियस में बैक ऑफ माइंड में आप वो पूरा स्टेज का इमेजिनेशन है और आपने उसके हिसाब से प्ले लिख दिया, लेकिन और फिर आपने उसको किसी निर्देशक को दे दिया या एक्टर्स को दे दिया और आप अपने घर पे बैठ गए और जिस दिन नाटक था उस दिन नाटक देखने चले गए अगर बुलाया गया, वरना आपने कहा अरे साहब मुझे क्या, मैंने तो नाटक लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया। ये किसी नाटक लिखने वाले की सबसे बड़ी गलती है। पहली चीज थी, नाटककार को स्टेज क्राफ्ट आना चाहिए। दूसरी चीज अब सुन लीजिए, नाटककार को स्टेज का हिस्सा भी होना चाहिए। नाटक उस रोज नहीं लिखा जाता जिस रोज आपने उसको लिख के कंप्लीट कर लिया, नाटक उस रोज लिखा जाता है जिस रोज उसका मंचन हो गया और जिस दिन से जिस दिन आपने नाटक लिखा और जिस ने उसका मंचन किया, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप नाटक लिखने जाने के बाद नाटक के मंचित होने तक जो दिन बीते हैं उसका हिस्सा रहे हैं, यानी उस नाटक की जो रिहर्सल हुई है उसका हिस्सा रहे हैं। और कभी कभी क्या, अक्सर वो नाटककार ज्यादा कामयाब होता है जो उस नाटक का हिस्सा भी हो, ना कि केवल उस नाटक का लेखक हो। आप चाहे उसमें एक्टिंग कर रहे हो सकता है, आप अपने नाटक का निर्देशन भी कर रहे हैं, अगर आप एक्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, तब भी उसकी रिहर्सल में रोज रहेगी। कभी कभी बल्कि अक्सर मेरा अपना तजर्बा है कि आपको लगता है कि आपने ये डायलॉग बहुत अच्छा लिखा था, ये सीन बहुत अच्छा लिखा था, ये कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेज पे जो डायलॉग, और अक्सर ऐसा होता जो स्टेज पे जो डायलॉग जो सीन जो कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा था, वो हो सकता है रिहर्सल में उतना अच्छा ना लगे। और अक्सर ऐसा होता है कि सीन जो डायलॉग जो कैरेक्टर आपको खराब लग रहा था वो रिहर्सल में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रिहर्सल का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। कभी कभी रिहर्सल देख के आप रात को फिर घर पहुंचते हैं और रात को फिर उस पर रिवर्क करते हैं। मेरे साथ तो मेरा, और मैंने नाटक की शिक्षा जो है किसी संस्था से प्राप्त नहीं की, और ऐसे भी
नाटक का लेखन वो किसी संस्था में पढ़ाया भी नहीं। नाटक किस तरीके से लिखा जाए ये आपको कोई एक्टिंग स्कूल, कोई ड्रामा स्कूल जो है आपको कभी नहीं बताएगा। तो इसलिए नाटक का हिस्सा होना, नाटक की रिहर्सल का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। वहां आपको फर्क मालूम होता है जो आपने घर में अपने इमेजिनेशन से लिखा था और जो रिहर्सल में नजर आ रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि नाटक, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम एक नाटक कर रहे थे, मुंशी प्रेमचंद साहब की बहुत मशहूर कहानी है, बड़े भाई साहब। किसी ने हमको बताया कि साहब जिस जमाने का ये नाटक, उस जमाने में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी होता था। एक दिन हमने ऐसे ही कहा कि चलिए इसको जो जिसकी जो समझ में आ रहा वैसे इंग्लिश में इस डायलॉग्स बोले। तो लोगों ने जो उसी समय जो उनको हिंदी डायलॉग्स की इंग्लिश बनानी पड़ी, वो इतनी फनी इंग्लिश थी, इतनी फनी इंग्लिश थी कि हमने वो प्ले ही इंग्लिश में किया। उस प्ले के हम तकरीबन 190 शोज कर चुके हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी। वो सिर्फ उसमें जो अंग्रेजी का इस्तेमाल है उसकी वजह से हिट हुआ, और कभी वो इंग्लिश में लिखा नहीं गया था। और रिहर्सल के दौरान जो उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुए, जो एक्टर्स ने अपनी तरफ से, अब उसमें बेशक राइटर में मेरा नाम जाता है, स्क्रिप्ट राइटर में कहानी मुंशी प्रेमचंद साहब की है तो बेशक मेरा नाम जाता है, पर वो इम्प्रोवाइजेशन मेरे नहीं थे, वो एक्टर ने मजबूरन जो अंग्रेजी बोली वो थे, और वो ज्यादा अच्छे थे हिंदी डायलॉग से। इसी तरीके से कभी कभी आपने डायलॉग लिखा, उसको एक्टर ने याद किया, याद करने में कुछ गड़बड़ की, उसने कुछ का कुछ बोला, उसने जो कुछ का कुछ बोला वो ज्यादा अच्छा होता है, तो वो नाटक का हिस्सा हो जाता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे नाटक करते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे होते हैं, यानी जिसमें रोज रिहर्सल में, और उसका अगर इस संडे को एक मंचन है, फिर अगले संडे को एक मंचन है, इस संडे को, इस संडे से और दूसरे संडे के बीच कुछ ऐसे चेंजेस आए समाज में या देश में जो आपको नाटक में डालना जरूरी है, तो आप वो नाटक में ले आते हैं। बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जिसकी स्क्रिप्टिंग रोज होती है, रोज रिहर्सल में उसकी स्क्रिप्ट चेंज होती है, क्योंकि देश में और समाज में और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे हमारा एक प्ले है गालिब इन न्यू दिल्ली, जयपुर में हमने उसको बहुत बार परफॉर्म किया है। तो उस प्ले की सबसे बड़ी खूबी यही है, गालिब साहब का दूसरा जन्म होता है मॉडर्न जमाने में, जिस दिन वो नाटक हो रहा था उसी दिन उनका दूसरा जन्म होता है। उस दिन जो जो डेवलपमेंट हुए होते हैं, उस दिन जो 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 चीजें हुई होती हैं, वो हम उस नाटक में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर नाटक शुरू होने के आधे घंटे पहले ये खबर आ जाए कि ये हो गया है, उसने रिजाइन कर दिया, हम हुआ ये, हम नाटक कर रहे थे, हमें उसमें गालिब साहब जो है ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से भारत रत्न मिल जाए, और एक घंटे पहले नाटक करने से पहले हमें मालूम हुआ कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया है, तो हमने वो चीज डाली। तो कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिसमें आपको शायद एक घंटे पहले भी चेंजेस करने पड़े। एक बड़ा मजेदार नाटक है जिसमें कोई नाटक हो रहा होता है शेक्सपियर साहब का, और शेक्सपियर साहब की रूह आ जाती है रिहर्सल में, वो लोग शेक्सपियर साहब को देख लेते हैं और शेक्सपियर साहब से उनका ही नाटक रीराइट करवा लेते हैं। कोई एक्टर आता कहता आपने तो बड़ी कठिन इंग्लिश लिखी है, मैं ऐसी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, शेक्सपियर साहब अपने डायलॉग की इंग्लिश आसान कर देते हैं। कोई और एक्टर आता कहता है आपने तो ये मुझे दो पेज की स्पीच बोलनी है, मुझे काम बहुत है और मैं जो है कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, शौकिया करता हूँ, आप प्लीज ये दो पेज की स्पीच को दो डायलॉग में बदल दीजिए। तो शेक्सपियर जो है वो दो पेज की स्पीच को दो डायलॉग में बदल देते हैं। शेक्सपियर जब आखिरी दिन प्ले देखते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ये प्ले उनका लिखा हुआ था ओरिजिनली। तो ऐसी बहुत सारी मजेदार घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं, आपने
घर में बैठ के जो लिखा और जो रिहर्सल में चेंज हुआ, रिहर्सल में चेंज होने के बाद जिस दिन परफॉर्मेंस है उस दिन भी चेंज हुआ। और कभी कभी तो बड़ी फनी चीजें हो जाती हैं, एक एक्टर नहीं आया, उसका डायलॉग किसी और को दे दिया गया, या वो कैरेक्टर आपको निकालना पड़ा। ये भी हम लोग के नाटकों के साथ हुआ है। एक हमारा प्ले था, उसके आखिरी सीन में 7-8 एक्टर्स की जरूरत थी, वो एक्टर्स मिले नहीं, हमने जो है उसको एक ही एक्टर का डायलॉग बना दिया और वो बहुत ज्यादा कामयाब हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जबकि हमने वो 7 एक्टरों का सारा डायलॉग एक एक्टर को बोलने को दे दिया था, क्योंकि हमारे पास एक्टरों की कमी, तो कभी एक्टर्स की कमी, कभी मेकअप की कमी, कभी कॉस्ट्यूम की कमी, कभी कभी स्टेज क्राफ्ट की, स्टेज की कमी, कभी कभी पता चला आपने ये एंट्री लेता है, वो एग्जिट करता है, वो पीछे से आता है, ये आगे से जाता है, पता चला एक स्टेज ऐसा मिला जिसमें कोई विंग्स ही नहीं है, एक स्टेज ऐसा मिला जिसमें 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 मेकअप रूम नहीं है, एक स्टेज ऐसा मिला जिसमें आप कॉस्ट्यूम नहीं चेंज, वही प्ले वाले दिन जिस दिन प्ले होना है, वो जो नया स्टेज मिला है और जो सिचुएशंस मिली, उसके हिसाब से अपने आपको चेंजेस करना पड़ता है। और आखिरी चीज, हर विषय पे नाटक लिखा तो जा सकता है, नाटक किया नहीं जा सकता। जब आप नाटक लिखने बैठे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है जिसको आपने देखा नहीं, तो नाटक क्या लिखा जाए, कैसा लिखा जाए, किस प्रकार का लिखा जाए, ये सिर्फ आपका फैसला नहीं होना चाहिए, ये जो है आपके इमेजिनेशन में एक ऑडियंस होनी चाहिए और उस ऑडियंस का फैसला होना चाहिए कि आपको क्या और कैसा और किस प्रकार का नाटक लिखना चाहिए। अब आप लोग चाहते हैं तो मुझसे जो भी मैंने कहा और जो मैंने कहा वो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सच हो, क्योंकि नाटक जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, नाटक स्पोर्ट्स है, तो उसमें कोच जो बता रहा है वो भी गलत हो सकता है, और कभी कभी जब स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं वो जो कोच कहता है उसके बरक्स खेलते हैं, क्या सिचुएशन पैदा है, कोई जरूरी नहीं है मैंने जो कहा वो बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर हो, 100% सही हूँ। अब आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर कुछ सवाल है हमारे व्यूअर्स के। जी, पहला सवाल है कि इम्प्रोवाइज करके ड्रामा लिखते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप जब इम्प्रोवाइज करके लिखते हैं तो सब्जेक्ट जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस पे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। मैं पर्यावरण पे लिख रहा हूँ, पर्यावरण मुझे नहीं मालूम, मैं कोरोना पे लिख रहा हूँ और कोरोना मुझे नहीं मालूम, मैं साइंस के किसी विषय पे लिख रहा हूँ और क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो वो विषय मुझे नहीं मालूम। आप जब इम्प्रोवाइज प्ले कर रहे हैं तो आपको जिस विषय पे कर रहे हैं उस विषय का बहुत जबरदस्त ज्ञान होना चाहिए, उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना उस विषय के टीचर का होता है, कमोबेश उतना ही ज्ञान। इसके बाद फिर वही बातें जो मैंने आपको समझाई हैं कि आपको स्टेज क्राफ्ट, जब वो विषय का ज्ञान हो गया तो स्टेज की क्या क्या मजबूरियां हैं या स्टेज की क्या क्या अच्छाइयां हैं वो आपको मालूम है, उस स्टेज को दिमाग में रखते हुए आप जो है अपना नाटक लिखेंगे। और अगर आपको ये भी मालूम है कि हमारे नाटक में ये साहब इसको इसका निर्देशन करने जा रहे हैं और ये लोग एक्टिंग करने जा रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखिए कि आपने बड़े मुश्किल डायलॉग जो है वो मुझे हिंदी आती नहीं और अंधारी सिंह दिनकर बना दिया मुझे आपने, मैथिली शरण गुप्त बना दिया, तो उसका आपको फिर वो आपका जो एक्टर है और आपका जो निर्देशक है और आपकी जो ऑडियंस है उसकी क्या समझ बूझ है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपने उमर खयाम की रुबाई सुना दी और ऑडियंस जो है वो कोई कॉमेडी प्ले देखने आई थी, तो ये इसका ध्यान रखना। इम्प्रोवाइज प्ले में सब्जेक्ट, स्टेज की नॉलेज और जिन एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है कि नुक्कड़ नाटक और स्टेज प्ले में क्या डिफरेंस है?
नाटक और स्टेज प्ले में क्या डिफरेंस है? देखिए वही डिफरेंस है जो टेस्ट मैच और 2020 में होता है। तो सबसे पहले तो आपको नाटक आना चाहिए। नाटक आने के बाद एक इंग्लिश लफ्ज होता है जिसकी हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रही है अभी, एडेप्टिबिलिटी। आप एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें पीछे एक दीवार है और जो है वो आपको सामने देख रहा है, आपके सामने बैठा हुआ है। तो आपको बहुत ज्यादा पीठ नहीं दिखानी, बहुत ज्यादा राइट नहीं होना है, बहुत ज्यादा लेफ्ट नहीं होना है। ये हो गया टेस्ट मैच, स्ट्रेट खेलना है। क्रिकेट अगर आप लोगों ने खेला है तो टेस्ट मैच में बताया जाता है भाई स्ट्रेट खेलो, आउटसाइड द ऑफ स्टंप्स जो बॉल जा रही है उसको चेस मत करो, जो ऑफ स्टंप पे बॉल है उसको लेग स्टंप पे मत मारो। अब आप ये स्टेज हो गया, स्टेज का नाटक हो गया, प्ले स्ट्रेट, आपकी ऑडियंस सामने है उसके सामने खेलिए। अब आप नुक्कड़ नाटक करने गए, वो 2020 हो गया। अब आपको बता रहा है वही कोच, बता रहा है डोंट ऑलवेज प्ले स्ट्रेट, प्ले टू योर राइट, प्ले टू योर लेफ्ट, ऑफ स्टंप की बॉल है उसको लेग स्टंप्स पे मार दो, लेग स्टंप्स की बॉल को पीछे हट के मिड ऑन के ऊपर मार दो, क्योंकि वहां आपकी ऑडियंस जो है वो चारों तरफ है। अब आपको एग्जिट और एंट्री का समय नहीं मिल रहा है, अब आपको कॉस्ट्यूम बदलने का समय नहीं मिल रहा है। तो बस फर्क यह है कि आपको एडेप्टिबिलिटी आनी चाहिए। और एक बहुत आसान तरीका यह होता है, दिल लगा के आप नुक्कड़ नाटक कीजिए। आपका अगर पूरा मन उसमें है तो ऐसा नहीं कि आपने स्टेज पे नाटक किया तो नुक्कड़ नाटक नहीं कर पाए। आपको मालूम है हमने एक नाटक किया था जिसकी सेटिंग थी घर का बेडरूम, और एक बार हमने वो नाटक किया एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो बेडरूम बन ही नहीं सकता था, पीपल का पेड़ था उसके नीचे, और लोगों ने ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो बेडरूम है। तो अगर आप दिल से कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हाँ इतनी एडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर आप क्रिकेट जानते हैं कि भाई अब टेस्ट मैच से अब स्ट्रेट नहीं खेलना है, अब मेरे लेफ्ट और राइट पे भी ऑडियंस बैठी हुई है तो मुझे लेफ्ट एंड राइट पे भी खेलना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत ज्यादा मजा आया हमें आज आपके साथ, बहुत ही कमाल का सेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम सब मिलेंगे मंडे को सुबह 10 बजे मोनो प्रिंट के सेशन के लिए हर्षद वैष्णव सर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।